ये जो फील है ना भाई, ये ओ माय गॉड। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हेलो गाइस, वेलकम टू मोटो एक्सप्रेस। आई एम सुशांत, टुडेज होस्ट। सो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं गोप्रो हीरो 9 की, जिसे मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से। तो आज हम, चलिए हम उसका करेंगे अनबॉक्सिंग, वो भी खाट पे बैठ के ठाट से करेंगे अनबॉक्सिंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, फाइनली मैंने ये गोप्रो मंगवा लिया है और मैं बैठ भी गया हूँ खाट पे, और साथ में अब करेंगे इसका अनबॉक्सिंग और साथ ही मैं आपको और ये रहा एडप्टर गोप्रो का, जो भी मैं अपने हेलमेट पे माउंट करूँगा, और साथ ही मैंने ये सैंडिस्क का ये कार्ड मंगवाया। और मैं इन सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हर चीज़ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ मेंशन होगा। और मैंने ये एक माइक भी लिया है मानो का, दिस इज ऑल्सो फॉर द हेलमेट पर्पस ओनली। वैसे मैं बोया का माइक यूज करता हूँ, दैट इज गुड, यस हाँ, वो काफी अच्छा माइक है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। सो मैंने ले लिया यहाँ पे नाइफ और अब हम इसे कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। और वेट कर लो भाई साहब, आ गई मेरी गोप्रो 9। ओ हो, बिल्कुल मजा सा आ रहा है मुझे देख के, और मेरी एक्साइटमेंट भी उतनी बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे जैसा कि, और मैं इसे टियर अप कर रहा हूँ, बिल्कुल मैंने इसे टियर कर लिया है। तो ये हो गई, और इसके बाद मैंने इसे कर लिया है अनबॉक्स। अब इसके अंदर एक मुझे बॉक्स मिला है जो कि बिल्कुल गोप्रो का है, ये इनमें चेन लग रखे हैं। अब मैं इसे करता हूँ ओपन और साथ ही देखते हैं इसमें क्या क्या मुझे चीज़ें मिलती है। ओ भाई साहब, तो इसमें मुझे मिल जाता है एक चार्जर, आप कह लो वायर है, ये चार्जर की वायर है, और साथ ही एक ये गोप्रो की बैटरी, ये मे भी हेलमेट पे माउंट करने वाला है। ये दोनों हो गए और ये भी हो गया साथ ही, ये सभी चीज मुझे हेलमेट पे माउंट करने के लिए, या आप जहां भी माउंट कर सकते। और ये रहा अपना गोप्रो भाई साहब, और उसके बाद फिर कुछ पेपर्स देख लेते हैं जो कि मतलब इनमें क्या क्या दे रखा है। तो ये हो गया गोप्रो का स्टिकर वगैरह हो गया यहाँ पे, और आप यहाँ पे स्कैन करके गोप्रो के लिंक को आप मतलब डाउनलोड कर सकते हो गोप्रो के ऐप को। और ये हो गया आपका यूजर मैनुअल, हैव अ प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चंस, और ये हो गया सब्सक्राइब टू गोप्रो फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। तो आप गोप्रो के साइट पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और भाई साहब, ये हाथ में आ गई अपने बिल्कुल छोटू सी, बिल्कुल प्यारी सी गोप्रो। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर वाले रैपर को हटाते हैं, फिर इसके लेंस वाले रैपर। ये जो फील है ना भाई, ये ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकता, मतलब आप मेरी आवाज से समझ रहे होगे, ये वाली जो फील है ना, बंदा हर जो भी मोटो ब्लॉगिंग करना चाहता है ना, वो मरता है भाई इसके लिए, गोप्रो के लिए। तो फाइनली ये सारा कुछ मैंने इसका रिमूव कर दिया है, तो अब ट्राई करते हैं इसको ओपन करने का। तो गाइज, फाइनली मैंने अपना गोप्रो में बैटरी सेट करके और इसे ऑन कर लिया है। तो अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, ओके अग्री, जीपीएस ऑन, क्विक, ओके। फिर ये कह रहा है कि एक एप्लीकेशन कर लो क्विक, तो वो हम लेटर कर लेंगे बिल्कुल। अब हम इसे करते हैं स्किप सेटअप, अभी डेट भी अभी हम इसका कुछ सेट कर देते हैं, 2023 हो गया आज, आज का इस मुझे फिफ्थ, और
इसका टाइम भी सेट करेंगे। तो फाइनली मैंने इसका सारा सेटिंग अगर आप देख सकते हो तो कर लिया, और बिल्कुल ये बहुत ही ऑसम और बहुत ही ज़्यादा वाइड एंगल ये कैमरा है, और जो कि दिखने में बिल्कुल, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इससे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम GoPro से कि इनमें कैसा फोटो आता है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं GoPro से कि इनमें कैसा वीडियो आता है और इनकी साउंड क्वालिटी क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली गाइज आप देख सकते हैं ये सारा शूट मैं GoPro से कर रहा हूँ, तो ये कैसा आ रहा है जबकि मैं इनमें ना कोई माइक एडेप्टर यूज़ किया हूँ ना ही कुछ, और ये रियल कैमरा और रियल माइक से इनकी ऑडियो आ रही है। तो बिल्कुल मैं जेन्युइन ऑडियो डालूँगा इनमें, मैं कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करूँगा। और साथ ही इसके बाद अब हम लेके चलते हैं आपको इनका माइक जो भी मैंने लिया है ना वो GoPro एडेप्टर, तो चलिए उसके साथ अब हम इसका माइक टेस्ट करते हैं। और साथ ही अभी हम इसका स्टेबलाइजेशन चेक कर रहे हैं, मैं बिल्कुल यूँ रोटेट हो रहा हूँ बट ये थोड़ी सी भी ना हिल नहीं रही है, ये बिल्कुल बहुत ही स्टेबल कैमरा है और सच में ही बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसके साथ। और जब मैं बाइक पे राइड करूँगा तो फिर उसका एक अलग ही मज़ा आने वाला है GoPro के साथ। मुझे ये जो एक्सपीरियंस है ना ये मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम रियल एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ अपने GoPro।